शादी के बाद पति पत्नी एक परिणय सूत्र में बन जाते हैं और 7 जन्मों तक एक दूसरे की संकट के वक्त मदद करने की कसमें खाते हैं। लेकिन जब दोनों के बीच कोई मनमुटाव हो जाए तो पति किस कदर से गुजर जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में हुए 30 वर्षीय रूबी हत्याकांड की। इस हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका का पति ही है जो पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। जिसने वैलेंटाइन डे के दिन पहले तो अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया और फिर उसको मौत की सौगात दे डाली। हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दिनांक 14 फरवरी को सिरोल में एक किराए पे रहने वाली औरत का गला दबा के मर्डर किया था उसके ही पति ने। इस तरह के एलिगेशन पे हमने केस रजिस्टर किया था उस मृतका के भाई के बयान पे। उन्होंने अपने जीजा पे ही ये आरोप लगाया था कि इसने जानबूझ के मेरी बहन का मर्डर किया है, जिसके बारे में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। हमारी क्राइम टीम सुशांत लोक ने इसमें अच्छा काम करते हुए और जो आरोपी सतीश था जिसने अपनी पत्नी का हत्या की थी उसको हमने गिरफ्तार किया है कल, और आज उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे पूछताछ पे उसने बताया कि मेरी पत्नी एक दूसरे व्यक्ति से लगातार फ़ोन पे बात करती थी। इस बात को लेके मैंने कई बार उसको मना भी किया था और धमकाया भी था उसको भी और उसका जो जिससे वो बात करती थी उसको भी, लेकिन वो उस चीज़ से बाज नहीं आई, फिर भी बात करती थी। तो इस वजह से रंजिश रखते हुए 14 तारीख को वो बाहर जब कहीं से बाहर से वापस आया, वो घर पे नहीं मिली, तो वो वहाँ से ही उसको घसीटते हुए मारपीट करते हुए लेके आया और वहाँ कमरे में लाके उसको उसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी। अब हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हत्यारे पति को अपने बीवी रूपी पर शक था कि वो फोन पर किसी दूसरे पुरुष से बातचीत करती रहती है और उससे नाजायज ताल्लुकात रखती है। बस इसी शक के चलते आरोपी पति सतीश ने अपनी बीवी की हत्या की साजिश रच डाली और गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि 7 से 8 साल पहले रूबी की शादी हुई थी और दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उसके बाद शक का ऐसा बीज पैदा हुआ कि पति सतीश 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन बीवी के लिए गिफ्ट लेकर घर पहुंचा और बीवी को गिफ्ट भी दिया, जिसके बाद उसने अपनी ही पत्नी रूबी का गला दबाकर हत्या कर दी। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने रूबी मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।